ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानगर के तत्वाधान में भीमसेनी एकादशी पर सुपेला के राहगीरों को शरबत वितरण किया गया। गौरतलब है कि हिंदुत्व धर्म की मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष पर सुख समृद्धि की कामना के लिए पुण्य कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत सुपेला में प्यासे राहगीरों को पानी की तृष्णा शांत करने ठंडे शरबत का वितरण किया गया। यहाँ महापौर नीरज पाल के साथ जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। इस भीषण गर्मी में राहगीरों ने ठंडा शरबत ग्रहण किया। लोगों ने कुछ इस तरह की जानकारी दी। आज हमारे हिंदुत्व धर्म के मान्यता के अनुसार आज भीमसेनी एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो आज निर्जला एकादशी के दिन हमारे साथियों के द्वारा और समस्त जितने यहाँ पर हैं सभी कांग्रेस साथियों के द्वारा यहाँ पर राहगीरों को और इन लोगों को ठंडा शरबत पिलाने का एक कार्यक्रम रखा गया। देखिए, इस भीषण गर्मी में सबसे अच्छा लोगों को पानी पिलाने का काम है जो हमारे कांग्रेस के साथियों द्वारा जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे शरबत वितरण किया जा रहा है। और आज बहुत शुभ दिन है, निर्जला एकादशी का दिन है। आज के दिन इस तरह का आयोजन एक अच्छा काम है जो लोगों के हित में, लोगों की सेवा के लिए इस भीषण गर्मी में हम ठंडा पानी पिला के शरबत के रूप में उनको उनकी प्यास को। तो ये शहर के अन्य जगहों में भी किया जाएगा क्या, इस तरह का कार्यक्रम और भी आगे? बिल्कुल किया जाएगा, कांग्रेस के साथियों द्वारा लगातार ये आयोजन होते रहे। उद्देश्य है कि आज भीमसेनी एकादशी है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा और जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार आज के दिन जो है दान पुण्य की व्यवस्था के बारे में कहा गया है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। तो चूँकि गर्मी का मौसम रहता है इसलिए ठंडक प्रदाय करने वाली चीज़ें जो है वो कोशिश करते हैं कि लोग वैसा करें। तो उसी उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सभी साथी मिल करके ये आज शरबत पिलाने की एक व्यवस्था यहाँ पर आयोजन किए हैं। अब इसी बहाने सभी इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे से मुलाकात हो जाए, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है इस त्यौहार को मनाने के लिए। देखिए, मानव सेवा ही इंसानियत का परिचायक है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा की भावना से ही जनसेवा करते हुए राजनीति को आगे बढ़ाता है। और हमारी ये सोच है कि हमारे कांग्रेस जन जिस रूप से लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की ज़रूरत पे उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो ये मानव सेवा का ये जो एक प्रयास है बहुत ही अनुकरणीय है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसमें सहभागिता निभाई है, महापौर जी थे, मुकेश चंद्राकर जी थे, राकेश मिश्रा जी, अतुल साहू जी और MIC के बहुत सारे सदस्य सब ने मिलकर ये सेवा का काम किया और आज जो है शरबत वितरण करके लोगों के आत्मा को गर्मी में ठंडक पहुँचाने का काम किया।